दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज गांधी जयंती है, मतलब 2 अक्टूबर है। तो एक ये जो गांधी जयंती है आज कैसे मनाया जाएगा वो हम दिखाएंगे। तो दिखाएंगे कहाँ, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का घर में, अपना घर में कैसे मनाते हैं वो आज हम आज आपको दिखाने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या पर्व होता है। तो यहाँ में देख सकते हैं आप, सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है और जितना सारा मेडिकल टीम चाहिए वो सब कुछ रेडी है। तो जो सिप प्रोग्राम है वो प्रोग्राम शुरू हो चुका है अभी, और गांधी जयंती का इस अवसर पर हमारे जो महात्मा गांधी जी है उनका चरण पे फूल और धूप धुना जो है वो चढ़ाया जा सकता जा रहा है अभी। और यह पर्व ख़त्म होने के बाद ही हम देख लेंगे इस गांधी जयंती का अवसर पर मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी क्या भाषण रखते हैं उसको भी हम सुन लेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं अगले प्रोग्राम क्या होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना सारा न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर है वो लोग भी आ चुका है, और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है असम का वहाँ से भी बहुत सारा स्टाफ आया और स्टूडेंट भी आया, और वो लोग भी आज केंद्रीय मंत्री को जी को फेलिसिट करेगा और भाषण सुनेगा ये लोग। तो श्रद्धांजलि पर्व अभी कुछ ही देर में ख़त्म होने वाली है, और ख़त्म होने के बाद जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है वो लोग अभी सम्मान देगा, फेलिसिट करेगा श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को। तो देख लेते क्या क्या पर्व है आगे में। तो फेलिसिटेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। असम का जो एक सम्मानजनक चीज है जो हम गामोसा बोलते हैं वो पहनाया गया है। अभी उस खादी का जो कपड़े है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्टूडेंट लोगों का बीच में, और जो हमारा मीडिया पर्सन है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस पर अभी ख़त्म हुआ है, ख़त्म होने के बाद अभी हम जाएंगे भाषणों पर। तो चलते हैं हम लोग भाषण सुन लेते हैं और गौर करते हैं क्या बोलते हैं। 8 सालों के अंदर देश की जनता ने कई परिवर्तन देखी है और महसूस किया है कि देश कैसे विकास के रास्ते पर तेज से चलने लगा है। इसका मूल कारण है देश के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ईमानदार है, निष्ठावान है और मेहनती है, ज्ञानी और गुणी है। इसके वजह से आज देश का जनता जाग उठा है और ये निश्चित है अगले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में ही ये देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आज बाबूजी का जन्मदिन है, बाबूजी का जन्मदिन के अवसर पर देश के जनताओं ने अलग अलग स्थानों पे बापूजी को नमन किया है, साथ साथ में अलग अलग सेवा के कार्यक्रम में सब लोग शामिल हुए हैं। ये भक्ति भावनाओं के नमूना है, देशभक्तियों का नमूना है। मुझे लगता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कर्मों के जरिए लोगों को प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की है, और बापूजी का जो सपने थे इस सपने को साकार करने के लिए मोदी जी ने जो ईमानदारी से काम किया है इसके लिए हम सब गर्व महसूस करते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा।